गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तारीख है 8/11/2023, दिन है बुधवार और आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम हो चुके हैं रेडी हो चुके हैं और चलते हैं नीचे, पूजा पाठ करते हैं और नाश्ता भी देखते हैं क्या होना है आज, और चलते हैं नीचे, चलते हैं बाबा जी का आशीर्वाद, उसके बाद चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे पूजा पाठ करते हैं और फिर करते हैं नाश्ता। पूजा पाठ हो चुकी है हमारी और आ चुका है हमारा नाश्ता। नाश्ते में देख सकते हैं आप लोग, नाश्ते में पालक, सोयाबीन और ब्रेड और अपना दूध। यह है पालक पनीर, पालक सोयाबीन पनीर नहीं है, हमें खाते हैं इसको। गाड़ी पे आ चुके हैं, पिकअप द्वारा आ चुका है और हमें जाना है आपका पत्थर रोड से नोएडा सेक्टर 59। गाड़ी हमारी हो रही है लोड और लोड कराते हैं और निकलते हैं सेक्टर 59 के लिए। आपको लोड है, ये है रोहतक रोड और अपनी गाड़ी ये लगी हुई है, चलाते हैं लोड गाड़ी को। गाड़ी में माल डाल चुका है और बंद करते हैं इसको और निकलते हैं सेक्टर 59 के लिए। लोड करके निकल चुके हैं हम और हमें जाना है सेक्टर 59, देख सकते हैं हम लोग, और रेड लाइट पर भी खड़े हुए हैं जहाँ रेड लाइट हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से। रेड लाइट खड़ी हो चुकी है और हम निकलते हैं यहाँ से। ये है अपना कनॉट प्लेस एरिया, देख सकते हैं आप लोग, और पूरा कनॉट प्लेस एरिया ये। हाँ, हमें यहाँ से आगे चल लेना है लेफ्ट और निकलना है पिंटो रोड होते हुए आईटीओ के लिए। अक्षरधाम फ्लाईओवर आ चुके हैं, फ्लाईओवर करते ही अक्षरधाम राइट होते हैं। 500 मीटर्स टेक अ रैंप है, लेफ्ट होते हैं मेरठ रोड एक्सप्रेस वे से। मेरठ एक्सप्रेस वे toward Model Town Underpass. ये सेक्टर 63 का अंडरपास है, देख सकते हैं आप लोग। ये सीधा निकलेगा सेक्टर 63। गाड़ी लगा दी हमने और अब लोड कर खाली करवाते हैं गाड़ी। गाड़ी खाली होती है और निकलते हैं, जैसे भी कपड़ा आता है वहीं जाते हैं। और फिलहाल अभी कोई ऑर्डर अपने पास आया नहीं है और जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक खाते हैं खाना। खाने में आप देख सकते हैं, आज दिखाते हैं आपको। खाने में आज है मटर पनीर और अपना पालक सोया बीन, पालक सोयाबीन और रोटी और सलाद खाते हैं।
है अभी। करते हैं इसको फिनिश, वो लड़के कहाँ का बनवा रहा। पिकअप आ चुका था और गाड़ी हमने लोड कर ली है और हम निकल चुके हैं अपना गीता कॉलोनी के लिए। अपने घर की तरफ छुट्टी है तो खाली टाइम भी काफ़ी हो गया अपना, 4 बज चुके हैं और गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं। पहुँच जाएंगे 20-1 मिनट लगेगा हमें यहाँ से और देख सकते हैं आप लोग हम टोल पे आ चुके हैं, टोल कटवाते हैं और निकलते हैं। अपना टोल देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये कटवाते हैं अपना टोल, टोल निकलते हैं। टोल देखते हैं वहाँ ये बंदा काट रहा है हमारा बिल से लेगा फोन पे। टोल कट चुका है और हम निकल भी चुके हैं, देख सकते हैं मयूर विहार फ्लाईओवर है ये, और TNT वगैरह डालने के लिए आगे नीचे से हमें जाना होता है आश्रम वगैरह के लिए। और वो रोड आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से होता है ये रोड जाता है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा रोड, यही आ रहा आश्रम जाता है पूरा, हमें जाना है सीधा। चुके हैं और हमारी गाड़ी उतर रही है, देख सकते हैं 2 पीस गाड़ी के अंदर आए और कुछ नहीं आया है, उतारते हैं और निकलते हैं। उतार दिया है और निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं आपका गीता कॉलोनी का सरोजनी पार्क एरिया है और यह पार्क का तो पता ही नहीं कि है कहाँ, सिर्फ नाम डाला हुआ है। अब हम पार्क ढूंढते ढूंढते हो गए परेशान, फिर हमारा कॉल फिर पार्टी ने बताया कि 15 नंबर गली है, फिर वहाँ पे हमने उतारा। और ये है रोड पे देख सकते हैं, नाले वाला रोड है गीता कॉलोनी का। निकलते हैं आगे, निकलते हैं अब पार्किंग की तरफ और पार्किंग के बाद चलते हैं जिम, मारते हैं वर्कआउट। में आ चुके हैं आप देख सकते हैं इतनी लंबी चौड़ी पार्किंग है और ये हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है अपनी। चलते हैं जिम, जिम होने वाला है ओपन और टाइम भी हो गया तो निकलते हैं जिम के लिए। जिम से आ चुके हैं और हमारी डाइट तैयार है, डाइट में आ जाए, डाइट में देख सकते हैं आप लोग है खीरा और सेब, यही डाइट रहेगी और पनीर अभी फ़िलहाल नहीं लेंगे क्योंकि पनीर से बढ़ता है फैट, पनीर ही बंद कर दिया फिलहाल हमने, यही करेगी और डाइट अपनी खाते हैं इसको। हमारा मंदिर लग चुका है वो, पंद्रह मिनट बाद पीते हैं चाय।